देखिए कि पांव में पायल की तरह देखिए कि ये सोने के लग रहा है, मुझे लग रहा है कि सोने का इनको पायल बनाया गया। अयोध्या के लिए जाएगी और ये गाय को आप देखिए कि पूरी बिल्कुल तरह से इनको सजा धजा करके इनको सेवा में देखिए कि प्रभु श्री राम जी के चरणों में जाएगी। जी जाएंगे वहाँ तो देखिए हाँ। जब तक यज्ञ चलेगा और जब तक प्रभु की इच्छा होगी अपना सेवा लेने के लिए, बिना गर्भ बिना बच्चा दिए हुए भर भर बाल्टी दोनों टाइम दूध देती है। जी बिना गर्भधारण किए बिना बच्चा दिए ही ये दोनों टाइम दूध देती हैं जो शिव जी को अभी अर्पित होता है बाबा। दुनिया में तो आप सब बहुत सारे गाय को देखे होंगे लेकिन हम आपको एक ऐसे चमत्कारी गाय को दिखाएंगे कि आप भी कहेंगे कि सच में ऐसा भी गाय इस दुनिया में है। जी हाँ, हम आपको बता दें कि ये वही गाय है जो बिना गर्भ धारण किए भर भर बाल्टी दूध देती है। और ये गाय का खासियत आपको बताएंगे कि ये गाय जो है प्रभु श्री राम जी के चरणों में जाएगी, प्रभु श्री राम जी के नगरी में जाएगी, अयोध्या में जाएगी। और इस गाय के दूध से श्री राम के चरणों में इसका दूध अर्पित किया जाएगा। कहीं ना कहीं ये अद्भुत है और इस गाय का जो चर्चा है कहीं ना कहीं पूरे बिहार नहीं पूरे भारतवर्ष में किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि एक हमारे साथ हैं पंडित जी, इस गाय का सेवा करते हैं। हालांकि हम आपको बता दें कि इस गाय के जो गौ सेवक हैं वो अयोध्या के लिए रवाना हो चुके हैं, अयोध्या में इसकी व्यवस्था के लिए वहाँ पर गए हुए हैं। जैसे ही व्यवस्था वहाँ से सुनिश्चित कर दिया जाएगा वैसे ही गाय को अयोध्या में लेकर जाया जाएगा। आपको दिखा दें इस गाय की खासियत दिखाइए, इनके देखिए कि पांव में पायल की तरह देखिए कि ये सोने के लग रहा है, मुझे लग रहा है कि सोने का इनको पायल पहनाया गया है। ये रुद्राक्ष का माला भी देख सकते हैं कि इनके गर्दन में है, पांव में है और इस पांव में पायल आप देखिएगा तो कहीं ना कहीं जो गौ सेवक है उनका कहना है कि अष्ट धातु का बना हुआ है। बातचीत करेंगे यहाँ पर हमारे साथ पंडित जी हैं, इनसे जानने का प्रयास करेंगे क्या सच में प्रभु श्री राम जी के नगरी में ये गाय जाएगी, क्या सच में प्रभु श्री राम जी के पूजा पाठ अर्चना में इस गाय का दूध चढ़ाया जाएगा। इस सारी बातों को लेकर के हम पंडित जी से बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है पंडित जी आपका। जी पंडित जी, हमने सुना है कि ये जो गाय है अयोध्या के लिए जाएगी। जी अयोध्या के लिए गए हैं पंडित जी वहाँ पर अयोध्या में, यहाँ इनका विधि व्यवस्था रहने के लिए जो भी है वहाँ गए हुए हैं और वहाँ से कल हो सकता है कि कल से परसों तक तो वो आ जाएंगे वापस। यानी ये गाय जाएगी अयोध्या। जी अच्छा, यह अयोध्या कहा जा रहा है कि ये जो गाय है बिना गर्भ बिना बच्चा दिए हुए भर भर बाल्टी दोनों टाइम दूध देती है। जी बिना गर्भधारण किए बिना बच्चा दिए ही ये दोनों टाइम दूध देती हैं जो शिव जी को अभी अर्पित होता है बाबा महेंद्रनाथ को। जी बाबा महेंद्रनाथ के ऊपर इसी गाय का दूध चढ़ता है। दो गायों का दूध चढ़ता था, अभी वो गाय बच्चा देना दूध देना बंद कर दी है, अभी इन्हीं का दूध चढ़ रहा है बाबा महेंद्रनाथ के जी ऊपर। जी दो गायों का दूध उनको प्रतिदिन प्रातःकालीन चढ़ना है। अच्छा अच्छा, एक बात बताइए, आप लोगों के दिमाग में क्या आया कि आप लोग प्रभु श्री राम जी के चरणों में इसका दूध चढ़ाना चाहते हैं? देखिए भगवान के सेवा के लिए ही इनको रखा गया है। सेवा का मतलब हुआ कि जो भी ये परमात्मा का दिया हुआ है उन्हीं का दिया हुआ, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, तो उन्हीं का दिया हुआ उनको अर्पण कर देने में हमारा कोई क्या जाता है। इसीलिए आप लोग ये गाय को वहाँ पर ले जा रहे हैं। जी और ले जाके प्रभु श्री राम जी के चरणों में इसका दूध अर्पित होगा। जी जी पूजा पाठ अर्चना होगा उसमें लगेगा। जी अच्छा, एक बात बताइए, ये क्या सच में ये जो गाय है वो बिना बछड़ा दिए बिना गर्भ धारण किए ये दूध देती है? जी बिना गर्भ धारण किए ही आज भी ये बिना बच्चा दिए ही आज भी ये दूध देती हैं और दोनों टाइम इनका दूध निकाला जाता है। करीबन एक टाइम करीबन 6 से 7 लीटर दूध है इनका। 6 से 7 लीटर वन टाइम? जी वन टाइम। और दोनों टाइम दूध देती है? जी दिन में जब इच्छा हो जब दूध निकाल सकते हैं। अच्छा, आपको इच्छा अनुसार है, जब आवश्यकता पड़ेगा तब आप दूध निकाल सकते हैं। आप ये जब चाहेंगे तब दूध इसको निकाल सकते हैं। जी ये कहीं ना कहीं कामधेनु गाय के तरह ही है। जी 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 ये कामधेनु ही है। कामधेनु ही है जी। और ये प्रभु श्री राम जी के चरणों में जाएगा? जी अयोध्या जाएगी। जी उनके सेवा में जब तक यज्ञ चलेगा और जब तक प्रभु की इच्छा होगी तब तक वो अपना सेवा ले सकते हैं। सेवा लेंगे। जी अच्छा, एक बात बताइए, हमने देखा कि इनके पाँव में जिस तरह से ये पायल के रूप में पहनाया गया है ये सोना का है? जी नहीं, ये जैसे कि तांबा है। दिखाइए, तांबा धातु में ही तांबा पहनाया गया है और आगे ये चांदी है और रुद्राक्ष है और बाकी इनका और भी सिंगार जो है चांदी वगैरह का वो बनाया हुआ है, रखा हुआ है, जब निकाला जाता है तो सिंगार किया जाता है। पूरा सिंगार चांदी के मतलब चांदी से सजाया जाता है। जी गौ माता को। जी इनका जो सिंह है
उस चांदी का ही बनाया हुआ है। आप आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं ये भगवान का प्रकोप है, जो प्रभु श्री राम जी का ये दया दृष्टि है कि उनके दरबार में जाएगी और इसके दूध को अर्पित किया जाएगा? ये सब प्रभु की लीला है, जो बिना बिन हरि की इच्छा त्रिंग न डोले, बिना प्रभु की इच्छा, बिना हरि की इच्छा से एक पत्ता तक नहीं डोलता है। तो ये सब उन्हीं की दी हुई ये वरदान है, ये गाय है। और कहीं ना कहीं इस कलयुग में कहीं ना कहीं ये गाय जो है प्रभु श्री राम जी के चरणों में जाएगी। जी जाएंगे, वहाँ देखिए हाँ। जब तक जग चलेगा और जब तक प्रभु की इच्छा होगी अपना सेवा लेने के लिए, कहीं इसको चमत्कारी गाय ही आप कह सकते हैं कि प्रभु श्री राम जी के चरणों में इसका दूध चढ़ाया जाएगा, अर्पित कराया जाएगा। और बता दें कि 22 तारीख को अयोध्या में श्री राम जी के प्राण प्रतिष्ठा का दिन है और उसी दिन ये जो गाय है अयोध्या के लिए जाएगी। और ये गाय को आप देखिए कि पूरी बिल्कुल तरह से इनको सजा धजा करके इनको सेवा में देखिए कि कोई कसर नहीं है। देख सकते हैं कि ये जमीन पर कारपेट बिछाया गया है ताकि इस गौ माता को कोई तकलीफ ना हो, ये आराम से रहे, इनको शरीर में कोई चुभन ना हो, इसलिए इस कारपेट को इस पर रखा गया है। और हम आपको बता दें कि ये गाय अभी सारण जिले के महेंद्रनाथ पशु प्रसिद्ध मंदिर महेंद्रनाथ के दरबार में है। आपको बता दें कि ये गाय महेंद्रनाथ बाबा से उठ करके राम अयोध्या मंदिर की तरफ जाएगी। और पंडित जी भी हैं, इन्होंने साफ तौर पर कहा कि भगवान की जो इच्छा है वो तो पूरा करना ही पड़ेगा और कहीं ना कहीं भगवान श्री राम के चरणों में इसका दूध चढ़ाया जाएगा। हम धेनु गाय है और प्रभु श्री राम जी ने इनको भेजा है और प्रभु श्री राम जी के चरणों में इनका जो दूध है अर्पित किया जाएगा, पूजा पाठ में लगाया जाएगा। यही खबर मैं दिखा रहा था सारण के महेंद्रनाथ बाबा के दरबार से। कैसा लगा खबर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। तब तक के लिए बने रहिए और देखते रहिए 24 न्यूज़। धन्यवाद।